नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित टिप्पणी के बाद पूर्व नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली, मुंबई और थाने के बाद अब पश्चिम बंगाल ने उन्हें समन भेजकर 20 जून को पेश होने के लिए कहा है। उस पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में केस दर्ज हुआ है। इस मामले में बीजेपी से निकाली गई प्रवक्ता नुपुर शर्मा को 20 जून या उससे पहले जो है लिडांग पुलिस थाने में पेश होना पड़ेगा। इसके अलावा उन पर टीएमसी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा भी एक केस दर्ज कराया गया है। यह केस पूर्व मदनपुर के कोटाई थाने में दर्ज कराया गया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा को दूसरी बार समन जारी किया है। नुपुर शर्मा को 25 जून को बयान दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस ने तलब किया है। लेकिन अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल से नुपुर शर्मा को यहां पर एक समन भेजा गया है, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाई हुई है। और यहां पर ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी पर हमला किया है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी नुपुर शर्मा को लेकर हिंसा की खबरें जो है वो देखने को मिली और उसके बाद माहौल खराब हुआ, जिस पर ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा है और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी और नुपुर शर्मा पर निशाना साधा है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल से अब नुपुर शर्मा को समन भेजा गया है, क्या उसके बाद नुपुर शर्मा क्या पश्चिम बंगाल जाएंगी, अपनी पेशी करवाएंगी, ये देखना होगा। और लगातार जो है इसी बीच नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी चल रही है। अब देखना यह है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जो है आखिर किस दिन होगी। तारीख यहां पर 20 से 25 के बीच में दी जा रही है कि शायद इस 5 दिनों के अंदर जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।